Good morning, students. Welcome to Saurabh sir's class. आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आज हम लोग स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन. चलिए कुछ सम्स करते हैं. आपका पहला सम है, मेरे साथ पढ़िएगा. नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड बिफोर अलाउिंग रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन होता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स, या फिर उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स बोला जा सकता है, इंक्लूडिंग सैलरी एंड कमीशन. टू मेहता द मैनेजर वॉज 7,02,000. मेहता मैनेजर का नाम है, 7,02,000 उसका नेट प्रॉफिट है बिफोर अलाउिंग रेम्यूनरेशन एंड कमीशन. मेहता वॉज एंटाइटल टू अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000. मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000 मतलब आपका हो गया 6,000 इंटू 12, आपका यहाँ पे आ गया 72,000 प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग. ये चार्जिंग होगा यहाँ पे, चार्जिंग रेम्यूनरेशन एंड सच कमीशन. फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेबल टू मेहता. यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं. आइए पहले इसको वर्कआउट करते हैं. तो सैलरी तो हम लोग को पता चल ही गया, जैसे ऊपर में मैंने आपको दिखाया कि उसका सैलरी है 6,000 पर मंथ, तो वो तो उसका फिक्स्ड है. तो 6,000 इंटू 12 कर देते हैं, यहाँ पे 72,000 आ गया उसका सैलरी उस साल का. अब उसका कंपनी का प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आफ्टर सैलरी. देखिए कंपनी जब अपना प्रॉफिट निकालता है तो पहले अपना सारे एक्सपेंसेस वो माइनस कर देता है. तो सैलरी भी तो एक लायबिलिटी है, उसको तो वो देना तो है ही है, तो वो बैलेंस शीट से वो पहले ही माइनस कर देता है. तो फिर हम लोग पहले प्रॉफिट आफ्टर सैलरी पहले निकाल लेते हैं. प्रॉफिट था वहाँ पे 7,02,000 जो उसने बिना सैलरी चार्ज किए किया था कैलकुलेट. तो हम लोग यहाँ पे उसको करेक्शन कर देते हैं. उसका 72,000 माइनस कर देने से आता है आपका 6,30,000 रुपीज में है. अब कमीशन जो होता है वो बाद में दिया जाता है. तो कमीशन हम लोग बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे. उसका कमीशन है 5%. तो 6,30,000. अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, 5% कमीशन है लेकिन हम लोग 5/105 कर रहे हैं. क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन एंड सच कमीशन. मतलब ये जो 5% है ये उसका आ रहा है पहले से ही, उसका रेम्यूनरेशन और कमीशन चार्ज करने के बाद ये 5% आता है. तो हम लोग इसको 5/100 कर देते हैं, मतलब 5% चार्ज कर देते, वो गलत होगा. तो इसलिए हम लोग इसको 5/105 करेंगे, क्योंकि ये जो इसका यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आया है ये 6,30,000, ये आपका 6,30,000 एक्चुअली में 105% है अभी, क्योंकि ये 5% जो यहाँ पे 5% इसमें है ये उसका कमीशन अभी यहाँ से चार्ज नहीं हुआ है. तो हम लोग इस 5% को, ये आफ्टर है तो इसको बिफोर कैसे करेंगे? तो 5/100+5, क्योंकि ये वाला 5% आप पहले से ही ऐड कर चुके हैं, तो इसको अब हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं 5/105 करके. तो ये आ जाएगा आपका 30,000. आ गया 30,000. तो उसका टोटल रेम्यूनरेशन कितना हुआ कैलकुलेट कर लीजिए. ये उसका सैलरी, ये उसका कमीशन, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1,02,000. 72,000 + 30,000, तो यहाँ पे आंसर है बी. आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. लिखा हुआ है शुक एंड शांति आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन लोगों का
कुछ भी रेशियो नहीं दिया हुआ है पूरे सम में, तो उन लोगों का जो कैपिटल का रेशियो वही हम लोग रेशियो पकड़ लेते हैं उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 5:3 उन लोगों का रेशियो है यहाँ पे डिफॉल्ट। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 6,000, इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। अब ध्यान दीजिएगा, 10% पर एनम मतलब आपका 50,000 का 10% आपका 5,000 होता है, 30,000 का 10% आपका 3,000 होता है, 5,000 प्लस 3,000 आपका 8,000 दोनों को मिला के मिलना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 6,000। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स। तो अब जब इंटरेस्ट उन लोगों का 8,000 आना चाहिए था लेकिन आपका प्रॉफिट ही हुआ है 6,000, तो यही 6,000 आपका उन लोगों का जो रेशियो है बेसिकली कैपिटल रेशियो 5:3 उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए आइए पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट आया है फर्म का 6,000, इंटरेस्ट कितना देना है 5:3 के रेशियो में, तो 6,000 को 5:3 में डिवाइड कर देते हैं, आपका जो शुक है उसका होगा 5/8 इंटू 6,000, शांति का होगा 3/8 इंटू 6,000 आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिए 3,750 2,250, तो ये आपका हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा आंसर है सी। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड ए पेड लायबिलिटी ऑफ 10,000। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब समझिएगा रेशियो है 1:1:1 एंड अ पेड लायबिलिटी ऑफ 10,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब ध्यान दीजिएगा, ए ने जो फर्म का लायबिलिटी था यानी अलग फर्म का एक अपना अलग आइडेंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है वो, उसका जो लायबिलिटी था उसने ए ने अपने प्राइवेट फंड से पे कर दिया, तो ए अब एबीसी का क्रेडिटर बन गया है ना, एबीसी को भाई उसको पैसे देने हैं अब, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे डालेंगे। ऊपर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। एंट्री होगा लायबिलिटी अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेटर टू एस कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। आइए आज का लास्ट सम करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1, आपके पास रेशियो दिया हुआ है। सी वॉज अ मैनेजर हु रिसीव द सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, ठीक है, इंटू 12 हो गया, इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। याद है ना फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, 105 हो जाएगा वो। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 3,39,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, फाइंड टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ सी। आइए फिर पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मेरे साथ बनाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, नेट प्रॉफिट था
3,39,000। सैलरी सी को हम लोग को देना है 2,000 करके 12 महीना 24,000 हो गया यहाँ पे। कमीशन हम लोग को देना है सी को, अब देखिएगा 3,15,000। ये 3,15,000 पता है ना कैसे आया, 339,000 माइनस 24,000। यहाँ पे ये वाला मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3,15,000। 5% कमीशन है लेकिन बाय 105। क्यों? क्योंकि ये वाला देने से पहले का है, तो हम लोग को इसको देने के बाद का करना है, तो 5/105 हम लोगों ने कर दिया ताकि ये सही तरीके से हम लोगों के पास आ जाए। ये आपका आ गया 15,000। तो अब हम लोग जो भी इसका नेट प्रॉफिट होगा वो हम लोग ए एंड बी में डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, रेशियो दिया हुआ था, शेयरिंग रेशियो 4:1 था, है ना? तो प्रॉफिट हम लोग का आएगा यहाँ पे 3 लाख। 3 लाख को हम लोग को ए और बी में डिवाइड करने, 4:1 के रेशियो, मतलब पहले ए का करते 4/5, फिर इसी को, फिर 3 लाख को 1/5 कर देते हैं, तो आपका 2,40,000 और 60,000 आ जाएगा। आपका अकाउंट टैली हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट पे, 15,000 कैसे आया? आपका इससे इसको माइनस कर दिया तो आया 3,15,000, आया ना? अब 3,15,000 क्वेश्चन में बोला गया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब हम लोग ये वाला अमाउंट ला रहे हैं, कमीशन देने से पहले का अमाउंट है ये, तो इसके ऊपर हम लोग अगर 5% चार्ज कर देते हैं तो फिर हम लोग का जो कमीशन आएगा वो गलत आएगा, तो हम लोग इसको आफ्टर कमीशन करना है, तो इसलिए हम लोग 5/100+5 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 105% है उसका, है ना? तो हम लोग का 15,000 ऐसे आता है। ओके, थैंक यू।